खुश आमदीद, फिर से आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ नई वीडियो में। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खैरियत से रखे और सेहत से रखे। जी दोस्तों, इस वीडियो में हैं बच्चियों के कपड़ों के डिज़ाइंस घर में बनाती हैं अगर आप, तो बहुत हेल्प होगी आपको इन डिज़ाइन से। आप घर में कैजुअल कपड़े बनाना चाह रही हैं बच्चियों के, या थोड़े बहुत हल्के फुल्के से फॉर्मल भी, मैंने आपको इसमें थोड़े से वो भी दिखा दिए हैं। और फिर कैजुअल कुर्ती के डिज़ाइंस तो हैं ही बच्ची, अगर आपकी बच्चियां घर में मौजूद हैं, 10 साल से 15 साल से ले तक के बच्चियां हैं और उनके कपड़े बनाने हैं, डिज़ाइन करने हैं, हल्के फुल्के से उस पर डिज़ाइन बनाने हैं, तो उसके आइडियाज़ आपको मिलेंगे। इस तरह से फैंसी भी ड्रेस करना है और कलर कॉम्बिनेशन ही आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहां से बिल्कुल ले सकती हैं। किस तरह की आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, इस तरह देखें बॉडी लगा लें और जो बॉडी का प्रिंट हो वही स्लीव्स का प्रिंट हो। शॉर्ट फ्रॉक बना सकती हैं, लॉन्ग फ्रॉक बना सकती हैं। गर्मियों के कपड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि हमने हल्के फुल्के कपड़े पहन चाहिए होते हैं बच्चियों को, स्पेशली ज़्यादा ना उस पर कढ़ाई हो, बस हल्की फुल्की सी आप किसी भी कल प्लेन कपड़े से डिज़ाइनिंग कर दें, प्रिंटेड कपड़े की डिज़ाइनिंग कर दें, इस तरह टसल्स लगा लें, अनरखा स्टाइल कर लें, शॉर्ट फ्रॉक ये देखिए इस तरह से बनवा लें और फिर आप उसको ट्राउज़र्स के साथ बच्ची पहनना चाह रही है, शलवार के साथ। गरारे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लॉन के गरारे भी अच्छे लगते हैं अगर बच्चियों को पसंद हैं और आप नहीं चाह रही कि भाई आपने रेशमी बनाना है, तो आप लॉन के इस तरह से बच्चियों को बना के दे सकते हैं। छोटे छोटे से ये शौक़ होते हैं बच्चियों को जो वो पूरा करना चाह रही होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत प्यारे प्यारे से आइडियाज़ मिलेंगे। अक्सर आपके पास ऐसा होता है कि आप अपने कपड़े सिलवा रहे होते हैं और उसका कपड़ा नहीं संभालते, तो प्लीज़ अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपने खुद सीने हैं, आप सिलवाती हैं, तो आप वो कपड़े बचाएं, आप संभाल के रखें, वो लेसेस संभाल के रखें जो आपने अपने कपड़ों के लिए ली थी, बच गई हैं या आपने नहीं लगवाई। बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम संभालना शुरू करें तो अच्छा खासे हमारे काम में आ सकती हैं। बच्चियों के कपड़ों पे आप इस तरह की बची हुई चीज़ें यूज़ करके बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं फिर तो जी। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो उसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं, फर्स्ट टाइम आई हैं, तो जी मोस्ट वेलकम टू द चैनल, बिल्कुल सही जगह आ चुकी हैं आप। इसी चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत से नए नए से और क्रिएटिव ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के तमाम आइडियाज़ मिलते रहें। अगर आपने किसी और ड्रेस डिज़ाइनिंग पर कोई और आइडियाज़ आपको चाहिए जी डिज़ाइनिंग के, तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट्स में, तो मैं ज़रूर वो डिज़ाइंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में भी, अब रमज़ान आ रहा है, ईद पर आपने कपड़े सिलवाने हैं और ईद पर इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहने जा सकते, तो जो आप सी रही हैं बस उसको ही थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से सी लें तो वो बच्चियों के घर में पहनने के आराम से यूज़ में आ सकेंगे। चलिए जी, ये वीडियो हो रही है ख़त्म, मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियोस देखते रहें।